नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें महमूदपुर गांव में कसाना फार्म हाउस पर आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत कसाना फार्म हाउस पर पहुंचने वाले हैं। सतबीर कसाना के फार्म हाउस पर गाड़ी आ चुकी है, अभी आप देखेंगे। देखिए, सतबीर कसाना के साथ तीरथ सिंह रावत हैं। तीरथ सिंह रावत हैं हमारे सामने, आप लोग देख रहे हैं। उनके साथ हैं सतबीर कसाना जी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तीरथ सिंह रावत यहां पर आ चुके हैं कसाना फार्म हाउस पर, और उनके साथ हैं सतबीर कसाना जी जो भाजपा नेता हैं। देख सकते हैं काफी लोग उमड़े हैं स्वागत के लिए, हाथों में फूल माला लेकर खड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तीरथ सिंह रावत सोनिया ठाकुर सतबीर कसाना के फार्म हाउस पर आ चुके हैं। उनके साथ है रूप सिंह नागर जो तिगांव के भाजपा विधायक राजेश नागर के पिताजी हैं। तीरथ सिंह रावत जी भाई हमारे बीच पहुंचे, आज बहुत सौभाग्य की बात है। चाहूंगा दोनों चीजों का करना। अमित कसाना जी समाज सेवी है, पूरे ग्राम वासियों की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा। मैं जय माता योजन जी सभी की तरफ। क्षेत्र राजस्थान आदरणीय रमेश तिलवाल जी, मैं भूमि क्षेत्र अपना जो नाम बोल रहा हूँ, बाबा अर्जुन जी जुमकरा लंबे सफर आए थक रहे हैं, और सलेख घाटी जी जुमकरा नहरी नगर विधानसभा भरतपुर जी, मैं वो भी मंच पे पहुंचे, और आदरणीय हमारे धर्मवीर खलीफ सर। फरीदाबाद में पहली बार आए हैं या पहले भी आए? मैं बहुत बार आया हूँ, मैं पिछला है। जो मान सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, वो कैसे? राजेश जी का भी जब चुनाव हुआ था तो तब भी मैंने सभा की है मेन फरीदाबाद में, महमूदपुर गांव में आकर। कैसा? बहुत बढ़िया लगा, आनंद आया, हवा बढ़िया चल रही है, लगी नहीं रहा मैं उत्तराखंड में हूँ। आपके वीर जी हमेशा हंसते रहते हैं, इनका नेचर कैसा लगता है? हमेशा हंसते रहते हैं जो इनका नेचर, तो मैंने बता दिया, बार बार क्या बताऊंगा। उत्तराखंड से ये छिकल भी पता है, ये चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। ये अपने अपने उसमें विजय श्री पाएंगे। अच्छा, जिस तरह का उनका काम है और जिस तरह का उनका पारिवारिक दृष्टि जो है, बड़े भाई राम जैसा इस तरह का, और जिन्होंने अपने भाई को लक्ष्मण की तरह आगे बढ़ाने का, और दूसरा जितने गांव के आसपास के जो लोग हैं मैंने देखा, युवा भी है तो बुजुर्ग भी है, और हर तरह से उनके पीछे खड़ा दिख रहा है, तो निश्चित तो अपने उसमें मिशन में पास होंगे। आशीर्वाद रहेगा आपका सर? मेरा तो आशीर्वाद है पार्टी का। धन्यवाद। मैं तो इनके आने का आभार प्रकट करता हूं अपने दिल की गहराई से, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। सतबीर जी, सीएम साहब का आशीर्वाद आप पर रहेगा ऐसा कहा गया है, और आपने भी काफ़ी स्वागत सत्कार किया है, तो सीएम साहब भी खुश होंगे आपसे। अब जैसा कि पता चला है चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे हैं राजस्थान से, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए जी, रणनीति तो मैं नहीं कह पाऊंगा। मैंने तो अपने जीवन काल में, जब से मुझे होश शिमला है, मुझे आज 12-13 साल हो गए हैं, मैं 12-13 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, बहुत छोटा सा कार्य करता हूं। जैसी भी कोई मुझे जिम्मेवारी मिली, जैसा ही मुझे समाज के अंदर कोई कार्य मिला, मैंने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चाहे वो कैसा भी था, किसी गांव में पानी नहीं था, उस गांव के पानी के लिए सोचा, किसी स्कूल में पहुंचा, बच्चों में कोई किताब जूता नहीं थे, मेरी राजस्थान में माइंस है भीलवाड़ा ज़िले में, और मेरी कर्म भूमि पृष्ठभूमि जहां मैं कार्य करना चाह रहा हूं वो भरतपुर ज़िला में नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, नगर विधानसभा पड़ती है, मैं वहाँ पर कार्य करता हूँ। शायद ग्राउंड लेवल पर अगर मेरी रिपोर्ट अगर पूछे या भाई बंधों से कोई समझे तो वो कुछ बताएंगे, मैं अपने मुँह से कुछ कहना नहीं चाहूँगा।
पर मेरे जो दिल की भावना थी, मेरा सपना था, मैं श्री तीरथ सिंह रावत साहब के जो मुझे साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, मैं इसे पाकर बड़ा धनवान हो गया हूँ। और आगे जैसे मुझे कोई मौका मिलेगा या पार्टी मुझे कोई सेवा करने का मौका देगी तो उस समाज के लिए मैं और वो काम करने का मुझे सहारा बन जाएगा। ताकत मिली है आज, ज़्यादा बढ़ गई आज मुझे जितनी ताकत मिली है शायद मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन का ये ऐसा पहला क्षण है। अगर मेरी राजनीति में भगवान ने और पार्टी ने कभी मौका दिया तो मेरे माध्यम से, मैं तो अपनी जुबान के माध्यम से कहना पाऊँगा कि मेरे मार्गदर्शन श्री तीरथ सिंह रावत साहब ही होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सिंह रावत जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते भैया। फरीदाबाद आई हैं, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुला नेचुरली हवा। और महमूदपुर गांव में बैठी हूँ इस टाइम में, सतबीर कसाना जी का गांव है और शायद उनका फार्म हाउस है ये। मुझे बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा लग रहा है, अपने परिवार में बैठी हुई हूँ। कुछ लगा खास गांव वालों ने मान सम्मान जो किया है, जो प्यार दिखाया है? बहुत अच्छा मान सम्मान किया, और तीनों भाई राम सिंह नेताजी, सतबीर कसाना जी, सुंदर कसाना जी, तीनों भाइयों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया मुझे। जैसा कि पता चला है आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बहन भी हैं, तो कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली रहती हूँ। और ये भी पता चला है मथुरा लोकसभा क्षेत्र से आप तैयारी भी कर रही हैं, हेमा मालिनी वहाँ की सांसद हैं, तो हाँ लोकसभा मेरी है और वहाँ पे 5 विधानसभा है। एक MLA मेरा गोवर्धन विधानसभा से अभी बना है और एक MLA मेरा पूरन प्रकाश है, वो फरे विधानसभा से हैं। 5 विधायक मेरी लोकसभा में आते हैं, मेरा मायका भी वही है और ससुराल भी वही है। मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से हुई तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा ये है कि मुझे कृष्ण जन्मभूमि में इलेक्शन लड़ने का और मेरे चाचा ताऊ और मायके वाले या ससुराल वालों का सेवा का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सेवा करूंगी। मैं एक छोटी सी BJP की कार्यकर्ता हूं और चाहती हूं कि एक कार्यकर्ता ही बन के रहूँ और सबकी सेवा करूं। मेरे अंदर एक राष्ट्र के लिए बहुत प्रेम है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। दो बार हेमा मालिनी वहाँ की सांसद रह चुकी हैं, हो सकता है तीसरी बार आपको टिकट वहाँ से मिल जाए। हेमा मालिनी जी सांसद तो हैं ही वहाँ पर, मगर थोड़ा सा मेरे भाइयों को दर्द होता है कि वो कभी किसी से मिलती नहीं है, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने ये प्रण लिया है कि हम लोगों को अगर मोदी जी सेवा का मौका देते हैं तो हम तो लखानी की चप्पल पहनने वाले कार्यकर्ता हैं और हर गली में जाते हैं, अपने सभी भाइयों से मिलेंगे, चाचा ताऊओं से मिलेंगे, तो हम तो बड़ा छोटे से कार्यकर्ता हैं और सेवा का मौका दें मोदी जी तो बिल्कुल। आपको वहाँ से टिकट मिले इसके लिए शुभकामनाएं। और फरीदाबाद की पब्लिक का भी आपको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अधिकतर फरीदाबाद से लोग मथुरा जाते रहते हैं और आधे लोग तो मथुरा में ही रहते होंगे धूमधाम के। फरीदाबाद में मेरा एक परिवार है, रूप सिंह नागर जी हैं मेरे पिता शमान और राजेश नागर भाई हैं मेरे छोटे, तो इनका परिवार मेरा एक ही परिवार है। और मैं रूप सिंह नागर जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जो इतना मान सम्मान आज मुझे उन्होंने फरीदाबाद में बुला के दिलाया। ठीक है मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ हैं विधायक राजेश नागर जी के पिताजी रूप सिंह नागर। सर कैसा लगा आज पूर्व CM साहब आपके विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, आपने स्वागत किया, मान सम्मान किया, आशीर्वाद भी मिला CM साहब का, कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा, CM साहब आए हैं और वो आते रहते हैं, पहले भी मेरे फार्म हाउस में मेरे घर पे वो आ चुके हैं। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ भाजपा के नेता हैं और वो संघ से जुड़े हुए हैं और वहाँ काफ़ी कुछ यहाँ करते हैं। सतबीर जी के कसाना साहब का जो उनको पूरी तरह से वो आशीर्वाद देकर जाएंगे और उनको जैसे वो चाहेंगे उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। इधर सोनिया जी भी हैं, ये सोनिया जी उनकी एक बहन है, ये उनको साथ लेके आएंगे और जैसे भी वो कहेंगे पूरी तरह से बात पूरे फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बहुत चलो आप लोगों ने CM साहब को यहाँ लाकर, कम से कम हमारे चैनल के सामने लाकर आपने फरीदाबाद का भी मान सम्मान बढ़ाया है। फरीदाबाद के पब्लिक भी खुश होंगे इतने ईमानदार नेता को देखकर फरीदाबाद में, इसके लिए आपको धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कर कितने लोगों ने, कितने यहाँ के सरपंच लोग आए, कितने आदमी आए, बहुत बड़ा मान सम्मान किया गया है सारी तरह से, और वो भी बहुत खुश हैं हर तरह से। वो आते रहेंगे, वो देखते हैं कि हम, वो पहले तो वो तो पहाड़ के रहने वाले, यहाँ भी देख कर कहते हैं कि हमें भी वैसे ही उनको प्रकृति मिली हुई है, वैसे ही पूरा तरह से प्यार मिल रहा है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ख़ासतौर से सतबीर जी को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। तो ये हमें उनका खुद यहाँ आने पर बहुत बहुत, क्योंकि वो जब ये आए पार्लियामेंट से, सीधे आए हैं वहाँ से पार्लियामेंट की, वहाँ से सीढ़ी से उतर के सीधे यहाँ गाड़ी में बैठे सोनिया जी के साथ, और यहाँ पूरी तरह से वो आए हैं, पूरी तरह से अपने घर भी नहीं गए वो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, बधाई। देखिए सर, आए ना सर, अंदर बैठे हो गया ये सर, सामने देखिए थोड़ा, सामने देख। अच्छा, सब हो गए, ये यहाँ तक आ जाएंगे भैया। हाँ जी, चल ये खिंचाना, अब फोटो बहुत हो गए हो तो गाड़ी पे बैठ हो गया भैया। साहब की कौन सी चलना चाहते हैं?